देख रहे हैं यूपी खबर। वाराणसी के मदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। आज जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 14 दिसंबर 2019 रामलीला मैदान दिल्ली में जाने के लिए दिल्ली से चलकर आए हुए बाजीराव खड़के विश्वजीत सिंह मदागिन कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिए। या इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, महानगर अध्यक्ष सीताराम केसरी, प्रदेश महासचिव राघवेंद्र चौबे एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। आज वाराणसी जनपद के हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जो 14 दिसंबर वो रामलीला मैदान दिल्ली में जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत बचाओ रैली हो रही है, उस रैली के संदर्भ में हमारी यहाँ संवाददाताओं चर्चा थी कार्यकर्ताओं के साथ, इसलिए मैं आज आया था। और इस रैली का जो आयोजन भारत बचाओ रैली के नाम से जो हो रहा है, ये होने का जो कारण है वो कारण और इसकी जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए जो इस बैठक में हम सब लोगों ने अपनी चर्चा की और आगे का कार्यक्रम तय किया। और ये भारत बचाओ रैली का जो आयोजन आज करने की आवश्यकता इस देश में इसलिए पड़ी है क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा इस देश में रहने वाले हर देशवासियों को एक अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश की है और उनकी लड़ाई हमेशा लड़ी है। और आज वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार इस भाजपा सरकार द्वारा जो उनकी नीतियों के कारण यहाँ का जो आम आदमी, आम देशवासी जो पीड़ित है, उनकी जो भावनाएं हैं वो उनको दर्शाने के लिए, उनका जो आक्रोश है वो आक्रोश दर्शाने के लिए भारत बचाओ रैली का आयोजन किया है। क्योंकि जो इस देश की व्यवस्था कांग्रेस द्वारा निर्माण हुई देश की आज़ादी के बाद भी, और आम आदमी का न्याय देने की जो कोशिश हमारी कांग्रेस सरकारों ने की, कहीं ना कहीं ये सरकार आज इस देशवासियों की जो ज़रूरतें हैं, इस देश में जो सार्वजनिक उद्योग है और इस सभी चीज़ों में जो अपनी उत्तरदायित्व है उसको निभाने में सरकार सफल रही है और कुछ चंद उद्योगपतियों के साथ और उनके फायदे के लिए निर्णय ले रही है। इसका असर आज पूरी अर्थव्यवस्था में दिख रहा है। नोटबंदी, GST जैसे इन्होंने जो कानून बिना उसका कोई ठीक तरह से रिसर्च करते हुए इन्होंने जो लाए, इसका असर आज पूरे अर्थव्यवस्था पे दिख रहा है। आज जो हमारे युवा शिक्षा लेके तैयार हुए, उनके परिवारों ने कर्जा लेके उनको शिक्षा दी है, उनके सामने हर बेरोजगारी का बहुत बड़ी समस्या है, किसानों के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं और हर आदमी इस देश का आज पीड़ित है, परेशान है। और ये जो स्थिति है उसके साथ साथ इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश और इस जैसे इस देश का जो संविधान है जिस पर आज तक विश्वास रख के अलग अलग धर्म के, जाति के, अलग अलग संस्कृति के लोग आज इस देश मान के हम सब